सुबह के 8 बज रहे हैं, और बल्कि हम इससे भी पहले के उठे हुए हैं। उठे तो तब हूँ जब मैं सोए हूँ। मैं तो सो भी गया था थोड़ा सा। पापा सुबह 8 बजे दूर लेने गए विदाउट मनी। वो वहां से वापस आए हैं पूरे। तो रात भर सोए ही नहीं है। मैं तो बीच बीच में सो रहा था, बट विशाल इसने सोने नहीं दिया। बेबी ने ना पता नहीं क्या करती रहती है, बातें करती रहती किसी ना किसी से। सॉरी हाँ फीड तो इसमें शायद दो बार ही लिया रात को, और एक बार डाइपर चेंज बस। और ये देखो इसके पक्के दोस्त बन चुके हैं डैडी। अब डैडी गए हैं तो ये डैडी के लिए उदास हो रहा है। तो डैडी चले जाएंगे ना तो दिन में मैं हो जाऊंगा इसके पक्का दोस्त। सो गाइज ये इंच टेप है, यहाँ पे है बेबी। इसका लूँगी मैं मेजरमेंट, क्योंकि मेरे को बनवाना है इसके लिए एक शूट करूँगी मैं घर पे, तो उसके लिए एक ड्रेस बनवानी है। सो यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मम्मी ने टोस्ट रख दिया था बनने, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। टमाटर प्याज वाला टोस्ट था और चाय थी, तो वो हो रहा था। बेबी की मालिश वाली आने वाली है, उससे पहले कपड़े डिसाइड हो रहे हैं। ये तो तेरा फेवरेट काम है ना। ऐसी आदत पाली हुई है इसने, देखो मेरी जेब के अंदर घुस जाएगा। ऑस्टेल मम्मा मना कर रही है। ओ मम्मा की सुनेगा बड़ा। हेलो इधर मम्मा। हेलो हेलो कैसे की जितनी मस्ती। आप पागल हो मां, दो दिन घर से के ना पता ही मां ये जितनी हुई। एक और आलस भरा दिन दोनों माँ बेटी और बेटे के लिए। मैं तो ऐसे ही इतना सी रखा हूँ आजकल, क्योंकि मुझे कुछ करने को मिल ही नहीं रहा है। उसे भी नशे दे रही है सुलाने के लिए। कितनी प्यारी लग रही थी, आगे भी नहीं खुल रही। चलो आओ का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं। मैं आ चुका हूँ अपने घर, क्योंकि ऑस्टिन को भी ले आया। थोड़ा सा चेंज हो जाता, एक तो मुझे अपनी ट्रिमिंग वगैरह करनी है, और एक तो छोटे मोटे काम थे, थोड़ी सी सफाई। वैसे तो झाड़ू वगैरह लगता ही था, बट थोड़ी बहुत बेड वगैरह ठीक करना, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ था जब से हम गए हैं। ये सब करना है। ऑस्टी को एक वॉक कराऊंगा, ऑस्टी के लिए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टी भी पूरा दिन वहाँ पर ऐसा डल सा हो जाता है। और मैंने सोचा कि चलो इतने दिनों बाद मैं भी जाया तो एक बार थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ घर पे। विशाली भी अब खा पी के सो ही जाएगी। अब ये सब करता हूँ एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी आफ्टरनून हो रहे हैं। मैं नहा के हटी हूँ और बेबी वहाँ सो रही है। हनी गया अपने घर कुछ काम से, और शायद वो वहीं सोएगा और बाद में आएगा शाम को, तो देखते हैं। तब तक वो व्लॉग करता तो उधर से देख लेना। उसकी शैतानियों में कोई कसर नहीं है। अभी सुरुचि ने उसको टॉय दिया था और मैं नहाने गया था, और देख लो हाल इसका। अब मुझे ये भी क्लीन करके जाना पड़ेगा सारा कुछ। ऑस्टी फिर से आ गया अपने फ्रेंड के साथ। अगर हम आज आए हैं तो मैंने सोचा इसको घुमा ही लेते हैं, फिर उसके बाद और तो पकड़ के घर विशाली के, तो थोड़ा सा खेल लेगा। मैं एक ये बैग लेके आया था, इसके अंदर सामान था लेके जाने वाला, और ये फट गया। मैंने एक हाथ में बैग पकड़ा हुआ है, एक हाथ से ऑस्टू, एक हाथ से फोन, ये नीचे से फट गया, सारा सामान गिर गया था। चलो बड़ी मुश्किल से लेके जाऊंगा इसको। ज़्यादा इस घूमा तो है नहीं है, ज़्यादा खेला नहीं किसी के साथ, तो बस अब घर चलते हैं। यहाँ पे हो रहा बिस्तर मम्मी का और ऑस्टिन का। वो वाइट वाला पिलो मम्मी का है। हाँ वो निकल गया था सारा, उसे वो ले आया। वो देखो
डैडी के पक्की दोस्ती हो रही है। थोड़े दिन में डैडी को ना रुचि और विशाल की तरह ट्रीट करेगा। ये देखो गाइस सेम। So guys, it's 12 o'clock नहीं 12 PM और ऑस्टिन का हाँ सॉरी 12 AM और इट्स ऑस्टिन्स बर्थडे। ध्यान से और ये इसकी फर्स्ट ट्रीट। हैप्पी बर्थडे ऑस्टिन। और जब से हम यहाँ आए ना बहुत जल्दी सोने लग गए। ऑब्वियसली सोना ही पड़ेगा क्योंकि सब लोगों को सोना होता है। यू नेवर नो घर में जाके हमारा शेड्यूल कैसा होगा। वो बेबी पे डिपेंड होता है। नहीं मैं बताता हूँ कैसा होगा। जैसे कुत्ते को इसने बिगाड़ दिया ना कभी भी लाइट ऑफ होते कुत्ता सो जाता है। वैसे बच्चे को बच्चे अनप्रिडिक्टेबल होता है ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइस इसी के साथ मैं रखती हूँ और मिलते हैं कल। बाय बाय टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।